भक्त लोग कभी भी राजसी लोगों के साथ उठ बैठ नहीं करते हैं। भक्त लोग साधारण जीवन अपना व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए ब्रज में आप देखोगे बड़े बड़े संत हैं वो लोग गुफा में रहते हैं, भीड़ भाड़ में नहीं रहते, अपना अलग कुटिया बनाई। वृंदावन भजन स्थल ही है, भजन करने के लिए जाना चाहिए। वृंदावन ढोकला खाने के लिए नहीं जाना चाहिए, है जी। और गोवर्धन की तलहटी में जाके एकादशी वाली जलेबी खाने नहीं जाना चाहिए, या बांके बिहारी में जाके पान खाने नहीं जाना चाहिए। वृंदावन भजन स्थल ही है, वहां बैठकर भजन करना चाहिए। मोबाइल को भूल जाना चाहिए, घर पे छोड़ देना चाहिए और जाके वहां भजन करना चाहिए। एक महाराज बोल रहे थे कथा में कि वृंदावन जब हम जाने की तैयारी करें तो विधान है कि भूखे पेट ही जाना है, घर से खा के मत जाओ। हम जब जाते हैं तो पहले बोलते थे प्रभु जी वो थोड़ा रास्ते का पैक करा देना, बोले नहीं भूखे पेट जाओ ताकि वहां भजन में नींद नहीं आएगी। ऐसे नहीं कि खाली पेट रहने से आदमी थक जाता है या नींद आ जाती, नहीं। एक प्रहलाद जानी करके व्यक्ति हैं जिन्होंने 65 साल से कुछ नहीं खाया, अभी पिछले साल से भी छोड़ा 2 साल पहले, 65 साल से कुछ खाया ही नहीं है उस व्यक्ति ने, सोचिए। एक और गुरुजी हैं वो हवा पी के ही रहते हैं, अब भी जीवित, 58 साल की एज है। कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ये एयरटेरियन है, उनका एक नाम भी इंग्लिश में कुछ नाम दिया गया, कुछ खाते नहीं। तो उड़ीसा में आप जाइए, जगन्नाथपुरी में जाइए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं। खाने के लिए भगवान स्थान बनाया है जगन्नाथपुरी धाम, खाइए, वहाँ खाके चतुर्भुज रूप में हो जाएंगे। एक प्रपा जी का पास्ट टाइम पढ़ा कल, उसमें जो है उसमें नीलगिरी पर्वत का वर्णन है जिसमें शत्रुघ्न जाते हैं, शत्रुघ्न गए थे जगन्नाथपुरी में, है ना। और नीलगिरी पर्वत पे उन्होंने देखा कि चांदी की तरह चमक रहा है, सोने चांदी की तरह चमक रहा है। तो शत्रुघ्न ने पूछा ये क्या, कौन सा स्थान है, बोले ये आपको दिख कैसे गया, क्योंकि वो जो स्थान था चांदी जैसा चमक रहा था, सोने जैसा, ये केवल शुद्ध भक्त ही देख सकता उस स्थान को, नहीं तो हमें तो वो नाली दिखेगी, है ना, गंदगी दिखेगी, सुअर दिखेंगे। तो शत्रुघ्न से पूछा आपको दिखा कैसे, कहे मुझे नहीं पता कैसे दिखा, बोले आप राम जी के भाई हैं इसलिए आपको स्थान दिख गया, आप हृदय से शुद्ध हैं। बोले और भी कुछ दिख रहा है, बोले हाँ क्या दिख रहा है, बोले ये कुछ ये जंगली लोग हैं लेकिन चतुर्भुज में हैं और हाथ में शंख चक्र गदा लिए हुए, ये नहीं समझ में आ रहा ये कौन है। बोले जंगली लोग हैं और चतुर्भुज रूप में है, तो ये चतुर्भुज रूप में कैसे हो गए थोड़ा बताइए। तो उनके मंत्री होते हैं सुमति, वो बताते हैं कि आप जिस स्थान पर आए हैं ये जगन्नाथ जी का स्थान है, जगन्नाथपुरी है, और जो भी व्यक्ति यहां पर नाली में बहते हुए चावल रूपी प्रसाद को भी खा लेता है या प्रसाद रूपी चावल को खा लेता है तो चतुर्भुज रूप में हो जाता है। शत्रुघ्न जी को ये महिमा बता रहे जब अश्वमेघ यज्ञ होता है। तो आप जाइए जगन्नाथपुर में खाइए जितना खाना, लेकिन वृंदावन भजन स्थल है, भजन करना चाहिए वहां।